good morning. Welcome to my SD blog. So ये है लखनऊ से 110 किलोमीटर आगे हैं. So कितने कवर कर सकते हैं और तो देखते हैं. अब तो दूर तक जाए लेकिन देर हो चुका है, 8 बजे है. सो इसीलिए थोड़ा कुछ हमको खींचना पड़ेगा अच्छा रूट मिला तो, क्योंकि मेरे मन में जो है वो तो है ही, लेकिन वो तो सिलीगुड़ी तक है. यहाँ से 755 किलोमीटर, तो अच्छा ही हो. और 755 किलोमीटर इतना नजदीक नहीं है. और टाइम है 744. किसे बताओ यार, सिलीगुड़ी तक जाना ही जाना है आज. लेकिन मैं अलार्म दिया था, लेकिन देने के बाद भी अलसी बना. अभी तो कुछ नहीं खाया, रास्ते पे खाऊंगा और चले जाऊंगा. ये रास्ता थोड़ा सा फेस खराब था और रात का वक्त था, रिक्श नहीं ली. सो मुझे मालूम है यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सो इसीलिए कुछ रिस्क लेना नहीं बनता था रात को. और सूरज देवता हमारे ऊपर से कवर कर पाएंगे या नहीं, मुझे तो लगता है कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है 75 किलोमीटर. अभी तो 2 किलोमीटर ही नहीं हुआ, 2 किलोमीटर से क्या लेना लेना यार. हमें कितने बजे निकलना था मालूम है? नहीं, हमें निकलना था सुबह के 5 बजे. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये भी पकड़ सकते हैं अच्छी तरह से, अच्छा खासा. तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है. चलो फिर चलते हैं. तो ये नदी बहुत दिन के बाद और बहुत ही लंबा अच्छा लग रहा है. कैसा लग रहा है? बेटी ब्रिज मिल गया है ना, तो समथिंग सिमिलर ऐसा ही है ना. और सिर्फ आज अगर सिलीगुड़ी तक कर पाए तो कल अपने का घर में खाना होगा. ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से सिलीगुड़ी, मैंने बोल ही दिया 75. और सिलीगुड़ी से घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो ठीक है चलो फिर. ये गोरखपुर है और हमें जाना है सीधा, हमें जाना सीधा. अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो गोरखपुर सिटी आएगा. तो ये जो रोड है लखनऊ के लिए, मुजफ्फर रोड आई थिंक अच्छा ही होगा. तो ये जो रोड है अभी के लिए और बहुत खूबसूरत सब है बहुत. और जो डबल लेन है वो अच्छा सा बना दिया, अच्छे वाला रोड, पूरा प्योर अच्छे वाला. तो ये गोरखपुर सिटी जाता है अंदर इस तरफ से, और यहाँ पर बंदर और बंदरिया कैसे आ गया, कैसे यहाँ से दिल्ली. तब इतना अच्छा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने रुक गया. सो मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा रोड बना दिया इन लोगों ने. ये लोग गुवाहाटी
दिखा रहा है इस तरफ से रोड, और यहाँ से 945 किलोमीटर है। बहुत दूर आ गया, 8 बजे निकला था तो अभी तक 10 बजे है और 153 किलोमीटर हमने कवर कर लिए। तो गाइस बिहार पहुंच गए, मतलब बिहार एंटर हो गया और यहाँ से बिहार शुरू होता है, तो हमें फटाफट बिहार क्रॉस करना है। उसके बाद हमें सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल तक एंटर करना है और आगे टूटा फूटा ब्रिज है, वो हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, तो वो ठीक हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। जब ब्रिज पर जाओ ना तो ब्रिज ऐसे ऐसे करके हिलता है। तो देखो ऊपर गुवाहाटी है 966, पूर्णिया है 408। दुनिया तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, आगे चलते चलो चलते चलो। रात को बाइक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पहचान वाला रूट हो तो बिना पहचान वाला रूट कैसे करता है। पर से आता है और खाई करता, कोई भी पैसा नहीं आता, तो ठीक है। तो नहीं बोला वना नहीं, ये ब्रिज हिलता है, टूटा फूटा सब ब्रिज है यहाँ पर। तो ये बना नहीं ओल वाला और ये हिलता है, पूरी तरह से हिलता है ये ब्रिज। इतना खराब ब्रिज, इसको मैंने बोला था ये पूरा हिलता है। क्या हुआ रे बाबा, कुछ तो हुआ है। ओ चेकिंग, यहाँ पे ऑलवेज चेकिंग होता है। ठीक है आगे मिलता हूँ, क्योंकि ये बिहार का लास्ट मोमेंट है और जैसे जैसे बिहार क्रॉस करना ही पड़ेगा यार दिन में। तो टाइम है 3:12 और हम लोग आज जाएंगे सरभोग। सरभोग यहाँ से 675 किलोमीटर है, तो सोचो और टाइम लगेगा 13 आवर्स, तो कर पाएंगे या नहीं कमेंट पर बोल दियो। अभी तो हमने कवर की है 437 किलोमीटर। गुड इवनिंग, सो टाइम है 5:25 और इसे सन इज गोइंग फॉर डाउन, तो वो देखो और रास्ता थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं। सो गाइस एक बैड न्यूज था मेरे लिए। सो इतना समय से 4:30 बजे से अभी तक जाने एक जगह पे ही रुका रहा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 8:59 और हम लोग जा रहा हूँ सिलीगुड़ी और ये पड़ता है बिहार। और क्या नाम था पहाड़, खुल गया। तो ये हुआ मेरा पीछे का जो टायर था
एक बहुत बड़ा सुई से अंदर घुस गया। घुसने के बाद जो रिंग है वहाँ पर और सेट हो गया। तो सेट होने के बाद क्या करूँ क्या ना करूँ था जो मालिक है। तो मैंने पेट्रोल पंप से पूछा और उन्होंने बोला कि एक मिनट नहीं होगा। पहले तो ऐसे बोला नहीं होगा, तो मैंने बोला रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हवा दी, तो हवा नहीं ले रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा सेट था दोनों तरफ। एक तरफ तो था ही तो बैक साइड भी था। ठीक किया, ठीक करने के बाद अभी अभी निकला और यहाँ से लगभग सिलीगुड़ी है 250 किलोमीटर, तो बहुत दूर है। तो देखता हूँ, होप सो, फिंगर क्रॉस, अच्छा ही जो है सब कुछ। तो ऐसा तो होता ही है लाइफ में और इसीलिए तो राइड पे निकला हूँ। और खर्चा हो गया मेरा जो अभी भी इस राइड के लिए ही टायर चेंज किया, और एक राइड था मेरे लिए वो राइड जा नहीं पाया, तो वो भी राइड था मेरे लिए क्योंकि हमारे घर में कुछ काम था इसलिए हो नहीं पाया वो राइड। और वो राइड था RS 200, मैंने हाँ कर दी लेकिन घर में मुझे हाँ नहीं की, सो मेरा मतलब जा नहीं पाया। अब कर अच्छा ही हो। तो ये है टोल प्लाजा, सो चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। और अंकल ने बोला आपका मंजिल लेके चलेगा, तो ठीक है। वैसे तो सरगुप में नहीं है ये तैयार, तो मुझे तो गुवाहाटी जाना पड़ेगा। वैसे तो गुवाहाटी जाएंगे कैसे इस बाइक को लेकर, तो फिर सिलीगुड़ी में ही चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं सिलीगुड़ी में ही चेंज करने का बोलिया। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 10:11 और अभी तक चल चुकी है 695 किलोमीटर। तो वन वे रोड है और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर में ही होगा सिलीगुड़ी या ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैं डाल रुका हूँ वो कुछ और मैप है जो वो बताना मुश्किल है। सिलीगुड़ी यहाँ से कितना किलोमीटर है तो है, और आगे से ट्रक आ रहा है तो ट्रक और एक तरफ से यहाँ पर फॉग है, एक तरफ से धूल मिट्टी है और आगे से है ट्रक और रास्ता है खराब। आगे का जो हेडलाइन है पूरा पूरी तरह से फूल कर रखा है, फूल एकदम फूल। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो सुस है, तो चलते हैं फिर। और अगर रूम मिले तो रूम पे बातें करते हैं थोड़ा, नहीं तो यहाँ से ही अलविदा बोलने का टाइम आ गया। हाँ आ गया। तो बाय गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट ब्लॉग। सब खैर, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, धन्यवाद।